अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग अब तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज उद्धव सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्यों नहीं सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते तो ईडी को जांच दीजिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस हो तो वो सामने आए। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने भी आज एक तरह से सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। जो बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो दो दो पत्र प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं सीबीआई जांच के लिए। बीजेपी के कई सांसद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम खत भेज चुके हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए। बिहार सरकार के कई मंत्री पहले से ही मांग कर रहे हैं। आज जयकुमार सिंह भी सामने आ गए। इसके अलावा अगर हम देखें पार्टी प्रमुख के तौर पर तो मायावती ने मांग कर दी है, चिराग पासवान ने मांग कर दी है, तो पार्टी प्रमुख भी मांग कर रहे हैं कई सारे कि सीबीआई जांच कराई जाए। और इस मामले में नित नए खुलासे भी हो रहे हैं, अलग अलग एंगल भी आ रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है रिया चक्रवर्ती ने, उसमें उन्होंने एक सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह के मित्र थे उनका कुछ हवाला दिया ईमेल का, लेकिन आज सिद्धार्थ पिठानी ने कह दिया है कि वो सुशांत को जानते थे रिया को नहीं। तो मामले में कई जो एंगल सामने आ गए हैं उसको देखते हुए अब ये एक तरह से मांग है समय की कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई है। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा कि जनता चाहती है कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इससे इनकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कम से कम ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर सकती है। उधर बिहार सरकार के एक मंत्री ने भी सीबीआई जांच की बात कही है। मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार प्रधानमंत्री मोदी से सीबीआई जांच के लिए कह सकती है। मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। अगर हमें लगता है कि उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हैं तो नीतीश कुमार सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री मोदी से बात कर सकते हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में घिरी रिया चक्रवर्ती की पहली सफाई सामने आई है। रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है, साथ ही सुशांत के परिवार पर ही झूठ बोलने का आरोप मढ़ दिया है। रिया यही नहीं रुकी, उन्होंने सुशांत की बहन पर निशाना साधा और सुशांत के दोस्तों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बुधवार को पूछताछ के दौरान बताया था कि रिया ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी। यह बात उन्हें सुशांत के घरेलू नौकर ने बताई थी। अब रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनकी भाषा, उनके लहजे को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आप भी देखिए यह वायरल वीडियो। लेकिन हम यहाँ एक बात कह देना चाहते हैं कि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें यह ज्ञात है कि यह किसने, कब और क्यों शूट किया और कैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया। चिकन नॉट प्रोटीन शेक्स ईट टुमारो, कर्ड दाल राइस हेंस डिपेंडिंग ऑन दिस। अपुन को क्या फर्क पड़ता है तू कर्ड का है, दाल का है, तू चिकन ना का है, अपुन को क्या? ओह ब्रो लविंग दिस। ये नंगा नाच कर रही लड़कियां क्या करेगा? अपुन भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है, अपुन नंगा नाच किया बहुत टाइम इंस्टाग्राम पे ग्रुप किया, पर अपुन को ऐसा लगा कि अपुन का कंट्री रेडी नहीं है। आई शपथ, ऐसा ऐसा गंदा गंदा लड़का लोग अपुन को मैसेज करने लगा। अपुन बोला अपुन तुम्हारी ताई है, ताई में रख लो। मन नहीं आता लोगों का बच्चा बिच्चा पैदा होता है नहीं है कि उसका भी इंस्टाग्राम हैंडल चालू करना दिया, नाम दे दिया है कि बच्चा बड़ा होगा तो ये देखेगा, तब तक इंस्टाग्राम नहीं हमारा गिफ्ट फॉलोअर्स 3000 फॉलोअर्स। हमारे मम्मी डैडी बहुत प्यार किए तुमको, जैसे ही तुम पैदा हुए तुमको छोड़ो फोटो लेने लगे, तुमको टच नहीं करा, बस टोपी सेट करने के लिए टच किया कि अच्छा दिखे सबको, लगे अपना प्रोडक्ट जो है के बनाया अच्छा बनाया सुंदर, उसके पैसा वैसा खर्च करके टोपी वोपी लगा के मस्त महंगा ब्रिज कैंडी में करने का।
लोकेशन डाल देगा ब्रीच कैंडी, तुम्हारे पास पैसा। अब उससे बच्चे को क्या फर्क पड़ता है, अब ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली। अब उनको कोर्ट मत करना, अब उनको कोर्ट करेगा तो अब उन बोलेगा नहीं बोला ऐसा हुआ था अबू के साथ एक बार, अबू का भाई है एकदम छोटा गुंडा जैसा, अबू की कॉपी करता है, अबू जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है वो करने लगा ऐसा छोटा लोग के साथ छोटा गुंडा। तो अबू ने उसको बोला कि भाई, रिया चक्रवर्ती का यह भी आरोप है कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को ओपी सिंह और सुशांत की बहन मीतू ने रिया पर सवाल उठाने को कहा था। रिया ने केस ट्रांसफर करने को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसमें रिया ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के ईमेल का हवाला देते हुए सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए हैं। बिहार पुलिस सिद्धार्थ पिठानी से जल्द पूछताछ कर सकती है। अब रिया सिद्धार्थ के ईमेल का हवाला देते हुए चाहे जो कह रही हूं, लेकिन मीडिया में सिद्धार्थ पिठानी के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ सुशांत की मौत से पहले वाली रात को 1 बजे सुशांत से मिला था। सिद्धार्थ का कहना है कि सुशांत अपनी पूर्व मैनेजर दिशा की मौत से परेशान था। सिद्धार्थ का कथित रूप से यह भी कहना है कि वह सुशांत से ही जुड़ा हुआ था और रिया से उसका कोई वास्ता नहीं था। माना जा रहा है कि अब बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री अंकिता लोखंडे तो खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि वह डंके की चोट पर कह सकती हैं कि सुशांत कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकते थे। अ पर्सन लाइक सुशांत, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा लड़का नहीं देखा है हु राइट्स हिज ओन ड्रीम्स। उसकी एक डायरी थी, वो डायरी वो बहुत लिखता था। आई रिमेम्बर दिस, यू नो जब हम सब पहले रिलेशनशिप में आए थे उसने अपनी डायरी लिखी थी सर, उसके 5 साल के प्लान उसमें उसने लिखे हुए थे जिसमें उसको 5 साल बाद क्या करना है, वो क्या दिखेगा, ये सब था। एंड सर एग्जैक्टली आफ्टर 5 years वो सारी चीजें पूरी हो चुकी थी। एग्जैक्टली आफ्टर 5 years आई वॉज सी कि सुशांत ने वो सारी चीजें अपने सपने पूरे किए। और जब ये चीज बोली जाती है वो डिप्रेस था, वो डिप्रेशन में था। सच अ रॉन्ग वर्ड टू यू, ही कैन बी अपसेट अबाउट फ्यू थिंग्स, ही कैन बी, डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड टू यूज फॉर समबडी सर, अनलेस अंटिल यू डोंट नो द रीजंस यू नो। बट सुशांत वाज नेवर अ काइंड ऑफ अ गाय जिसको डिप्रेशन हो, एंजाइटी होती है, हम सबको होती है, उसको भी होती थी सर। मेरे साथ जो सुशांत था मैं उस सुशांत में आई कैन, मैं उस चीज को डंके की चोट पे बोल सकती हूँ सर कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, ही कांट बी इन डिप्रेशन। And I feel I don't want people to remember him as a depressed guy. I want people to remember him as a hero, जो एक छोटे शहर से आया, जिसने अपना नाम कमाया, अपने दम पर ज़िंदगी जी। He was an inspiration. He was an inspiration, and he will be an inspiration for all of us. He inspired me in many ways. He taught me acting. He was a talented actor, and I know that. And it's a very sad thing जब लोग एक कहानी बना लेते हैं और अपने तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं। Do you know who was सुशांत? किसी को पता भी सुशांत क्या था? अपने अपने पोर्ट्रेल से सबके सब अपना अपना लिखे जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। I'm so sorry to say this sir, but it hurts. And I think this is the first time I'm talking about सुशांत, and I want to say it. I want to tell people he was not a depressed man. He was a passionate guy. He was a child. He was like a child जो खाना देखकर खुश होता था, जिसको खुशी होती थी गुलाब जामुन देख के, जो चॉकलेट्स खाता था उसे खुशी, उसकी छोटी छोटी खुशियां। He wanted to farming. Yes, he wanted to do a farming. And I know this. वो पहले से बोलता था अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा पर मैं खुश रहूंगा। मैं इतना जरूर अश्योर करना चाहती हूँ आज मैं आपके शो पर, आई वांट टू टेल पीपल ही वाज नॉट अ डिप्रेस्ड गाय, नॉट एट ऑल। इस बीच बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा है कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जांच के लिए जाती है तो उसे मदद की जाती है, लेकिन यहां दुर्भाग्य से मुंबई पुलिस मामले की जांच में बिहार पुलिस की कोई मदद नहीं कर रही है। सुशांत के पिताजी ने राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज किया है, उसके उपरांत पटना पुलिस उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉम्बे गई हुई है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें वो FIR जो राजीव नगर
पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है उसकी वैधता को चुनौती दी है। उनका फर्दर कहना है कि बिहार पुलिस और पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है, ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है कि इस केस का अनुसंधान करें। और अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना की गई है कि इस केस को महाराष्ट्र बॉम्बे में ट्रांसफर किया जाए। बिहार सरकार ने उस याचिका को विरोध करने का निर्णय लिया इसके लिए कि बिहार सरकार के मुताबिक, हम लोगों के मुताबिक, बिहार सरकार के और बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से कल ही एक कैविएट पिटीशन डायल किया गया है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटर्नी जनरल थे, उन्हें एंगेज किया गया है, उनकी स्वीकृति ली गई है और राज्य सरकार उस याचिका का विरोध करेगी। देखिए अभी चूंकि उनका स्टैंड ही डिफरेंट है, अदरवाइज ये बराबर से रहा है कि जब कोई भी एक स्टेट का पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने, एक्यूज के तलाश में, ये तो अमूमन उस राज, उस प्रांत, उस प्लेस की सरकार पदाधिकारी पूर्ण सहयोग करते हैं। नहीं सहयोग कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देखिए अभी इस पर, जैसा मैंने कहा कि सारा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, क्योंकि बिहार सरकार का स्टैंड सही है, हम लोग सही चाह रहे हैं, हम लोग सही अनुसंधान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय का जैसा निर्णय होगा। इसी सुशांत सिंह राजपूत के सीए का भी बयान आया है, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो 15 करोड़ रुपए खर्च होने की बात हो रही है तो वैसी बात हमें दिखती नहीं है क्योंकि उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे। और हालांकि ये चीजें उन्होंने बताई है जो एक मीडिया रिपोर्टों के हवाले से सामने आ रही है कि जो खर्चा हुआ था, अधिकांश खर्चा वो विदेशी यात्रा पर था, कुछ घरेलू यात्राओं पर था, कुछ फार्म हाउस पर था, कुछ रेंट पर था, तो अलग अलग तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो सामने आ रही है वो सत्य है या नहीं, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती है। मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई परत दर परत चीजें सामने लेकर आए तो लोगों की जो जिज्ञासा है, लोगों के मन में जो आक्रोश है, वो निश्चित रूप से शांत होगा।